आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दमोह विधायक ने किया जिला अस्पताल का दौरा, व्यवस्थाओं में सुधार की रखी बात। राय परिवार पर हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई दूसरे दिन भी रही जारी। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफले के सामने हुए प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। जहां एक ओर निकाला गया मशाल जुलूस तो वहीं दिया गया मौन धरना। गड़ाकोटा में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए पेट्रोल चोर। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना महाब्लास्ट दमोह में हुआ है, जिसमें दमोह जिले से 23 मरीज सामने आए हैं। 3 मरीज शहर से हैं, जबकि 20 मरीज ग्रामीण अंचल से हैं। संपूर्ण देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश भर में 116,000 से अधिक मरीज सामने आए थे। दमोह में अब तक कोई मरीज सामने नहीं आया था, केवल एक मरीज सामने आया था। 11 वर्षीय मासूम बालक था। आज 23 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 3 मरीज शहर से हैं, जबकि 20 मरीज ग्रामीण अंचल से हैं। देश के प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर थे, इसी बीच उनके काफले के सामने काफी किसान आ गए थे, काफला रुक गया था। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहां प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए जगह जगह धार्मिक आयोजन किए गए, तो वहीं आज मौन धरना भी आयोजित किया गया। दमोह के बीजेपी कार्यालय में यह मौन धरना संपन्न हुआ, जहां पर काफी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़। हिनोरिया थाना अंतर्गत चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा यह खुलासा किया गया है। बताया जाता है कि हिनोरिया थाना अंतर्गत लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो रहे थे। इस संबंध में आरोपियों को पकड़ा गया, पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया कि परमपिता मुन्नालाल रठिया निवासी हिनोरिया, गुटारू उर्फ गोविंद सिंह, पिता स्वर्गीय रूप सिंह लोधी उम्र 45 वर्ष निवासी हिंडोरिया, बिज्जू उर्फ ब्रजेश, पिता भागचंद साहू 29 वर्ष निवासी नन्नी माता तिगड्डा हिंडोरिया, बबलू उर्फ प्रेम सिंह, पिता मूरत सिंह निवासी हिंडोरिया, सच्चू उर्फ सशेंद्र, पिता मलखन सिंह 29 वर्ष निवासी हिंडोरिया, जिनके पास से 2 नंग कल्टीवेटर, 2 नंग ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सहित चोरी का सामान जब्त किया गया है। कुल मशरू का लगभग 15 लाख रुपए का ये जब्त किया गया है। 6 तारीख की रात में फरियादी अमर सिंह ने थाना हिंडोरी में रिपोर्ट किया कि उसके घर से ट्रैक्टर ट्राली चोरी हो गई है। थाना प्रभारी हिंडोरिया द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर घटना की तस्दीक की गई। विवेचना के दौरान परम नाम के एक संदेही की तलाश की गई। उससे पूछताछ के बाद उसके जो अन्य साथी थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसमें 4 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली और 2 कल्टीवेटर और 2 मोटरसाइकिल उनसे बरामद की गई है। प्रकरण में बड़ी गंभीरता से लगातार उसकी विवेचना की जा रही है और आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी? 9 आरोपी हैं। प्रकरण के सभी 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टोटल सर कितनी कीमत है? लगभग 30 लाख का सामान अभी जब्त हुआ है। इस अवसर पर थाना प्रभारी संदीप चौधरी, जितेंद्र यादव, प्रदीप जोशी, बाबू सिंह, महेंद्र, अभिषेक चौबे, गब्बर सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। हिनोरिया से सहयोगी
रईस खान के साथ संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज तफा। नौ में शराब कारोबारी राय परिवार के ठिकानों पर गुरुवार की सुबह 6 बजे से चल रही आयकर विभाग की कार्यवाही दूसरे दिन भी जारी रही। बताया जाता है कि शंकर राय की बिल्डिंग में नोट गिरने की 4 मशीनें पहुंचाई गई थी, 16 बैग भी पहुंचाए गए थे, कुछ पेटियां भी पहुंचाई गई थी जिनमें भरकर नोटों को जब्त किया गया है। कार्यवाही लगातार चलती रही, डिप्टी कमिश्नर कुछ विशेष जानकारी नहीं दे रही। उनका कहना है कि संपूर्ण कार्रवाई हो जाने के बाद विशेष जानकारी दी जाएगी। नहीं देखिए, यहाँ पे सर्च की कार्रवाई चल रही है और इसके आगे अभी मैं कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ये आज सवेरे से हमने कार्रवाई की है, अभी चल ही रही है, जब कंक्लूड होगी तो आपको इसकी बाकी डिटेल अधिकृत जो पर्सन होगा वो आपको दे देगा। मैम किस किस के यहाँ पे कार्रवाई हुई है? ये पूरी प्रमाइसिस जो है दमों में हो रही है, ये तो आपको पता ही है, और कितने लोग इन्वॉल्व हैं और क्या है ये भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अधिकृत जानकार पर्सन ही दे सकता है। कितने ठिकानों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों की टीम आपकी आई है? मैं ये सब खबरें अभी आपको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये प्रोसीडिंग चल ही रही है, अभी तक थमी नहीं है, तो जब ये थम जाएगी तब आपको जो भी अधिकृत पर्सन रहेगा वो आपको ये खबर दे सकता है। मैम कितनी कार्रवाई चलने की उम्मीद है? अब चल रही है, अब जब ख़त्म होगी तब थोड़ा टाइम है, अभी बताने में देर है। अभी आपकी कार्रवाई जारी है? जी अभी भी जारी है हमारी कार्रवाई, अभी रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, अभी भी कार्रवाई है और रात भर चलेगी और अभी तो ख़त्म होती नहीं दिख रही है। मैम क्या लग रहा है बेनामी संपत्ति का कुछ जी ये सभी मैं अभी नहीं बता सकती, मैं अधिकृत नहीं हूँ ये बताने के लिए। संजय सरवरिया, लखीड़ी सी न्यूज। देश के प्रधानमंत्री का काफिला जब गुजर रहा था तो अचानक से किसान सामने आ गए, जिसके चलते काफिला लगभग 20 मिनट तक रुका रहा। इस घटना के विरोध में संपूर्ण प्रदेश में इस समय बीजेपी काफी आक्रामक है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और लगातार अब बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है। दमे युवा मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया और जमकर विरोध दर्ज कराया गया। घटनाक्रम किया उसके सम्मान में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की संपूर्ण टीम चन्नी सरदार को एक चेतावनी देता है कि आप अपनी सरकार में आप अपनी डीजेपी को समझाइए, जिसने कल जैसी हत्या करके और अपने किसानों को जो बगड़ा कर और धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर से कहकर उनको रास्ता रोका और उनकी व्यवस्था को भंग किया और उनकी जानमान को क्षति पहुंचाई, क्योंकि वहां से 23 किलोमीटर पाकिस्तान का भी बॉर्डर लगती है, उसके बावजूद भी ऐसी घटना उनने की, उसके सम्मान में आज संपूर्ण युवा मोर्चा चन्नी सरदार को चेताना चाहता है कि आपकी सुरक्षा में यदि कमजोर है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा दमोह से जाकर पंजाब में भी उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है। उसके नेतृत्व में आज आदरणीय प्रीतम जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने उनको बताया और वहाँ से
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से अम्बेडकर घंटाघर चौराहे तक मशाल जुलूस निकाल कर उनके संदेह नष्ट व्यक्त की और उनके पक्ष में मशाल जुलूस निकाला। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो पंजाब में पंजाब सरकार जो वहाँ कांग्रेस की सरकार है एक सोची समझी साजिश के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा नहीं होने दी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से डर करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो ये कारना हरकत की है निश्चित ही इस हरकत से ऐसा साबित होता है कि कांग्रेस पूरे देश में डरी हुई है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वहाँ सभा नहीं करने दी गई। इस सोची समझी साजिश के तहत वहाँ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वापस जाना पड़ा। निश्चित ही ऐसी सरकार जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को इस देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैं आह्वान करता हूं कि इसे तुरंत भंग कर देना चाहिए और आज उनके सम्मान में पूरी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरे देश भर में मशाल जुलूस लेकर उस निकम्मी कांग्रेस को यह सबक सिखाना चाह रही है कि यदि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारे युवाओं के हाथों में वो जिम्मा सौंपते तो हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा इतना सशक्त है कि उनकी पूरे देश में रक्षा कर सकता है। आज इस अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजय सरवरी, लखड़ी से न्यूज सभा। माइसेम सीमेंट फैक्ट्री में पदस्थ दो वाटर सप्लाई ऑपरेटरों को संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर हालत में दमोह जिला चिकित्सालय में बीती रात दाखिल कराया गया था, जिनमें खूबचंद पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं महेंद्र राय को सागर रेफर किया गया है। परिजनों ने गंभीर आरोप माइसेम सीमेंट फैक्ट्री पर लगाए हैं। जानकारी के अनुसार खूबचंद पटेल पिता भैयालाल उम्र 57 वर्ष निवासी नरसिंहगढ़ और महेंद्र राय को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसमें से खूबचंद पटेल पिता भैयालाल की मौत हो गई है जबकि महेंद्र राय का उपचार सागर अस्पताल में जारी है। आज सुबह शव का पंचनामा कराया गया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार को सौंपा गया। क्या पूरा मामला है इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से हमने चर्चा की। देखिए कल रात्रि लगभग 11 बजे माइसेम सीमेंट फैक्ट्री का जो वाटर पंप हाउस का एरिया है वहाँ पर दो व्यक्तियों के अचेत होकर बेहोश होने की सूचना थी। फैक्ट्री प्रबंधन ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुँचाया है और अस्पताल लाने पर एक व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है। मृत व्यक्ति का नाम खूबचंद पटेल निवासी नरसिंहगढ़ क्षेत्र के हैं। इनका मर्ग कायम कर प्रारंभिक जाँच की जा रही है। दूसरा व्यक्ति जो राय है महेंद्र राय है वो सागर श्री हॉस्पिटल में इलाजरत है। उसके संबंध में विवेचना अधिकारी सागर भेजा गया है और आगे जो भी प्राथमिक जांच के दौरान तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हादसा दुर्घटना जो है उसके प्रत्येक पहलू पर जो है वो जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी जो साक्षी हैं उनके भी स्टेटमेंट लिए जाएंगे और आगे जिस भी तरह के साक्ष्य आएंगे उनके अनुसार जो है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टीम ने भी जायजा ले लिया, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर क्या लगे आपको समस्या के दो लोगों की ऐसा कैसे हो सकता है कि मौत हो जाए गंभीर हो जाए? देखिए उस संबंध में जो भी विसरा एनालिसिस है या जो भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो जब तक हमारे पास नहीं आएंगी कुछ भी कहना इसमें संभव नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी हम इसमें कुछ फैक्चुअल जानकारी दे पाएंगे। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। बथरिया विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार क्षेत्र के दौरे पर थी। इसी बीच जब वह लौट रही थी तो हृदय पर खाद्यान्न वितरण देखने के लिए पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि काफी अधिक पैसा लिया जा रहा है, समय पर खाद्यान्न नहीं दिया जाता। इसके अलावा कई तरह की निमित्ताओं की शिकायत की गई तो पथरिया विधायक को काफी गुस्सा भी आ गया। उनके द्वारा तत्काल ही लोगों के पैसे वापस कराए गए, साथ ही इस संबंध में चौकी में एक शिकायत दर्ज भी कराई गई। क्या कहना है उनका आइए सुनते हैं। और कितने लोग रुक जाओ अरे रुको यार आपस में बात नहीं करो। और बताओ इनके इन, 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 इनके और कितने जनों के पैसा इनने लाए 20 रुपया बोरी के? हमारे जो सीएम हैं वे 2 रुपए के लोग दे रहे और हमारे
जो पीएम है वो फ्री में राशन दे रहा, लेकिन जो अधिकारी हैं वो प्रदेश से गेहूँ और चीनी और अपने नमक लेके जनता को पैसों में बांट रहे। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और हम समझ में नहीं हमें आ रही कि प्रदेश के जो अधिकारी हैं, क्षेत्र जिले के अधिकारी हैं, ये सो रहे हैं क्या? इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही है, इनको समझ में नहीं आता, ये देख नहीं पाते क्या? सारा काम शिवराज सिंह जी करेंगे क्या? ये काम भी वो करेंगे? तो अधिकारी किस लिए? अधिकारियों का क्या काम है, क्या कर्तव्य है उनका? भाई ये सीएम का कर्तव्य नहीं है, ये सीएम का काम नहीं है, ये मॉनिटरिंग अधिकारियों की है, करने की है। तो प्रदेश के हों चाहे दमोह जिले के हों, सब अधिकारियों हम कान खोल के बात सुन लेने चाहिए कि गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। स्वयं आप बताइए, जब एक सोसाइटी में मैंने चेक किया है, पूरे जिले भर की सोसाइटी, पूरे मध्य प्रदेश की सोसाइटियों में ये हो रहा है। अब तो मैंने ठान ली कि मैं तो हर जगह चेक करने जरूर जाऊँगी, जहाँ स्थिति ऐसी दिखेगी कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैं FIR दर्ज करवा के आई हूँ, सभी लोगों ने FIR दर्ज की है। और जो हमारे कन्होजिया जी हैं, मैंने उनसे भी बात की, उनने बोला कि एक रुपया नहीं लगना है, लेकिन ये बोरी के 20 रुपये ले रहे हैं, ये 5 रुपये नमक के ले रहे हैं, जनता से बहुत अपशब्द भी बोल रहे हैं, महिलाओं ने अपशब्दों का बोला कि ये बहुत अपशब्दों का उपयोग करते हैं, पूरे गरीब लोग जाते हैं, ये कुछ कह नहीं पाते हैं कि क्या कर सकते हैं, किसे सुनाएं। जब उनने मुझे बताया तो मैं खुद गई थी और इसकी जाँच भी होगी, जिस जो भी सोसाइटी के अधिकारी हैं, जो सेल्समैन हैं, जहाँ ये लापरवाही पाई जाएगी उनको सस्पेंड भी किया जाएगा, उन पर कार्रवाई भी होगी, उनके ऊपर रिकवरी भी निकलेगी। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। बीती रात से लगातार ठंडी हवाएं चल रही थी, आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश हुई, जिसके चलते मौसम में काफी ठंडक देखी जा रही, लोग ठंड से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वही किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इस बारिश से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। अर्शद बंटी पठान, लखीड़ी से न्यूज। तभाव गड़ाकोटा में आज सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। गड़ाकोटा तहसील के ग्राम दरारिया में नदी नाले उफान पाने लगे हैं। 6 घंटे की बारिश में ग्राम दरारिया में नाले उफान के होने के चलते लोग काफी परेशान हुए। किसान भाइयों के लिए पानी काफी अच्छा है, गेहूँ की फसल के लिए चना मसूर की फसल पर संकट आ सकता है, लेकिन गेहूँ की फसल के लिए काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। आप किसान हो तो जी, अचानक बारिश हुई है, इससे आप लोग के लिए कितना फायदा होगा? भारी नुकसान भाव है। क्या नुकसान हुआ है? दिल्ली लगा चनों में और तो सार भी बैठ है अच्छी जगह में, तो ठंड बढ़ेगी, ठंड ज्यादा बड़ा है। तो जो जैसी बारिश हुई है, इससे क्या फायदा नहीं मिलेगा? नुकसान है, इससे फायदा नहीं मिलेगा। प्याज इसने नुकसान कर है, अन्य फसलें नुकसान कर है। कहीं खुशी कहीं गम का माहौल नजर आ रहा है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। पेट्रोल चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ है। गड़ाकोटा नगर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गणेश टाकीज के पीछे दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी कर रहे थे। संपूर्ण घटना सीसी कैमरे में कैद हो गई है, वीडियो वायरल हो रहा है। यह घटना टाकीज के पास की है। मेजर नाथुराम साहू की गाड़ी से पेट्रोल चुराते दो अज्ञात चोर CCTV में कैद हुए हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दमोह विधायक ने किया जिला अस्पताल का दौरा, व्यवस्थाओं में सुधार की रखी बात। राय परिवार पर हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई दूसरे दिन भी रही जारी। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले के सामने हुए प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। जहां एक और निकाला गया मसाल जुलूस तो वहीं दिया गया मौन धरना। गड़ाकोटा में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए पेट्रोल चोर। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।